एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्जल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कुछ कमेंट्स के बारे में जो हाल ही मेरे पास आए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट लगा मुझे। और मैक्सिमम कमेंट ना मुझे ही लेके हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, बहुत लोग बोलेंगे क्या ज़रूरत है मैम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में या अपने लाइफ में बताना। देखिए, मैं खुद आपको एडवाइस करती हूँ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद क्या सोचती हूँ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है जानना बहुतों के लिए। इसीलिए आज का ये वीडियो सेक्शन है, कुछ मेरे बारे में है, कुछ नॉर्मली है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, अगर शादीशुदा लड़की का उसका पति मारता पीटता है, गंदी गाली देता है, सिर्फ उसके शरीर के लिए उसके मतलब रखता है, बाकी दोनों में कोई प्यार नहीं है, लड़की सिर्फ मजबूरी में उसके साथ रहती है, अपने पति के लाख कोशिश की सुधारने की, बहुत इंतज़ार की एक दिन बदल जाएगा, परंतु फिर भी कुछ नहीं बदला, तो औरत को क्या करना चाहिए, तलाक लेकर दूसरे शादी करना चाहिए या नहीं? इस क्वेश्चन में ही आपने आंसर दे दिया मिस्टर विक्रांत आयन, बट आप खुद बताओ हमारे इंडिया में आज भी कितनी औरतें हैं जो इतनी काबिल हैं कि वो अपने पति को तलाक देके अलग से अपनी ज़िंदगी बिताएं। मैं हूँ उस काबिल, या मेरे जैसी बहुत सी औरतें हैं जो है इस काबिल, अपने पति के सहारे के बिना ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मुझ में है वो काबिलियत कि मैं चाहे यूट्यूबर ना भी हूँ, मैं कोई जॉब भी कर लूँगी, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, बट कितनी औरतें हैं आज भी इंडिया में जो ऐसे काम कर सकती हैं, कितना हौसला है। माँ बाप बोलेंगे शादी करवा दी तो हमारा कोई वास्ता नहीं, पति के घर से अर्थी उठती है और माँ के घर से डोली, ये बहुत पुरानी कहावत है जो आज भी चलती है। माँ बाप मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं तलाक के मामले में। ससुराल से भी यही हमेशा सीख दी जाती है कि लड़कियों को एडजस्ट करनी चाहिए, लड़कियों को एडजस्ट करनी चाहिए, लड़कियों को तो त्यागना ही उसका धर्म होता है, सहनशीलता, ये वो, पता नहीं कितनी सारी वर्ड्स हैं जो उस पर थोपे जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी उसको सहने पे मजबूर किया जाता है। अगर इसका पति मारने पीटने वाला हो, जलील हरकतें करने वाला हो, फिर भी बहुत सारी औरतें आज भी कुछ नहीं कर पाती। इसलिए हर औरतों को सेल्फ डिपेंडेबल होना चाहिए, और इस मामले में सरकार को हर औरतों की सहायता करनी चाहिए, तब जाके ही औरतें कुछ ना कुछ कर पाएंगी। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, बट लोग क्या कहेंगे, ये डर से भी बहुत सारी औरतें कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं औरत हूँ, मेरा एक बच्चा है, मैं कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँगी, कम से कम आज दो वक्त का खाना तो खा पा रही हूँ, आगे जाके बच्चों को क्या खिलाऊँगी, पढ़ाऊँगी कैसे, लिखाऊँगी कैसे, बहुत सी चीज़ें हैं। इसीलिए हर औरतों को सेल्फ डिपेंडेबल होना ज़रूरी है, कि ताकि ये सोच कम से कम उसमें ना आए कि मैं दो वक्त की रोटी का जुगाड़ा कैसे करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने ये मुद्दा उठाया। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट किया है मुझे आमिर मिर्ज़ा ने, आपका संबंध किससे है मैम, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट डाला था यूट्यूब पे, जो कि एक सॉन्ग पे था, मेरे दिल को ये क्या हो गया, शायद उस पर ही ये कमेंट आया है मेरे पास। डेफिनेटली मेरा संबंध तो मेरे पति से है, मेरे वर्चुअल हस्बैंड से है, और उसी से ही है। मैं खुश हूँ, और मैं सचमुच खुश हूँ, मुझे बोलने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, बट ऐसे कमेंट ना मेरे पास बहुत आते हैं। क्या मैम, मैं जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बात करती हूँ तो मैम क्या आपका भी किसी से संबंध है, या जब मैं किसी भी ऐसे संबंध के बारे में जो आउट ऑफ मैरिज होते हैं, तो लोग मुझे ये सवाल करते ही करते हैं कि मैम क्या आप भी खुश नहीं हो, ये नहीं हो, मुझे आपको देख के लगता है, कहाँ से देख के लगता है। मैं बहुत एक जॉयफुल पर्सन हूँ, मुझे खुशी ढूंढनी आती है, मैं खुश रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पर खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, और फिलहाल आगे का मुझे पता नहीं, पर फिलहाल मैं अपने पति के साथ ही संबंध में हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट किया है मुझे, आपने किस एज में और कितने एज वाले आदमी से शादी की है? मैंने ऑलमोस्ट 22 में शादी की है, 22 साल की उम्र में, 2016 में मैंने शादी की, और मेरा पति मुझसे 5.5 साल बड़ा है, यानी कि 6 साल ही ले लो, 5-6 साल ही ले लो, वो मुझसे बड़ा है। तो जब मैंने शादी की थी तब डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का एज 28 था उस वक्त, तो एस कटहारिया ने मुझे ये क्वेश्चन किया था। चलिए बढ़ते अगले कमेंट की तरफ, और अगला कमेंट मुझे क्या है अविनाश सिन्हा ने, आप भी आपने लाइफ पार्टनर से बहुत लड़ती हैं, झगड़ा बहुत, दिन की शुरुआत मेरी होती है झगड़े से और ख़त्म भी होती है झगड़े से, मैं बहुत झगड़ालू हूँ, बहुत झगड़ा करती हूँ, मेरे हस्बैंड यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज़ से। झगड़े की वजह यही है कि हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर के पर्सन हैं, वो इस कॉर्नर के तो मैं उस कॉर्नर की,
इसी वजह से हमारा झगड़ा होता है। बट एंड में मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ऐसा है और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ऐसी हूँ, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हम रात को झगड़ा करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, तो रात गई बात गई। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगला कमेंट मुझे किया है प्योर सीडी ने, मैम मेरा हस्बैंड एक क्रॉस ड्रेसर है, ये मुझे हमारी शादी के बाद पता चला मैम, अब बस मेरा मन सुसाइड करने का करता है, मैं बहुत जल्दी ही अब सुसाइड कर लूँगी। मैम मेरे हस्बैंड के झूठ की वजह से क्यों? क्रॉस ड्रेसर होना क्या कोई गुनाह है? ये तो एक फीलिंग है इंसान की जो उसके अंदर होती है, और क्या इससे आप नाखुश हो? क्या उसने कोई जिम्मेदारियाँ उठाना बंद कर दी है इस वजह से? क्या वो आपके बच्चे को खाना नहीं देता? आपके बच्चे की तरफ उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है? क्या आपसे वो प्यार जाहिर नहीं करता? आपको मारता है, पीटता है? क्या आपके साथ बदतमीज़ी करता है? क्रॉस ड्रेसर होना कोई गुनाह नहीं है जिसकी वजह से आप उसको डाइवोर्स दे दो या उससे आप रिश्ता तोड़ लो। ये तो एक फीलिंग्स है जो जनरली इंसान के अंदर होती है। आज का आपका जो हस्बैंड है, आपका करेंट हस्बैंड है, वो क्रॉस ड्रेसर है। हो सकता है कि आप अगली बार जिससे रिलेशन बनाओ वो गे हो, या फिर अगली बार जिससे रिलेशन बनाओ वो कुछ भी ना हो, स्ट्रेट हो, बट आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, किसी और के बाहों में रहे। ऐसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो आप खुश रहोगे? क्रॉस ड्रेसर कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते। आपको आपके हस्बैंड का ये जो है फीलिंग आपको पता चल गया तो उसे डिस्कस करो कि आपको पसंद नहीं है, और वो आपके सामने ऐसा ना करे। अगर वो नहीं है ऐसा इंसान कि आपकी फीलिंग्स को समझे, तब अलग बात है। अगर वो समझते हैं कि नहीं है तो वो करना बंद कर देंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहा और ओपनली लोगों के सामने ऐसा कर रहा है, इससे आपको एम्बैरेस फील हो रही है, तो फिर आपकी लाइफ है और चॉइस इज़ डेफिनेटली योर्स। बट अपने हस्बैंड से डिस्कस करो सबसे पहले। ऐसे ही सुसाइड क्यों करोगे? ज़िंदगी एक ही मिलती है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए। छोड़ दो उसे, निकल आओ शादी से, पर सुसाइड करना कोई भी चीज़ों का सलूशन नहीं है, आई बिलीव। अगला कमेंट जो मुझे किया है नूर आलम ने, मैम क्या आप किसी गरीब लड़के से शादी करेंगी? सबसे पहली बात, मैं शादी कर चुकी हूँ 6 साल पहले और मेरा 4.5 साल का बच्चा भी है। रही बात गरीब लड़के से शादी करने की ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ऐसे बनाए हैं कि अगर मैं किसी नाकामयाब लड़के से भी शादी कर लेती तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लेती। बट हाँ, मैंने अर्न की, मैंने अपने एक स्टेटस बनाई और उसके हिसाब से ही, उससे मैचअप करके ही मैंने शादी की। और एक गरीब लड़के से शादी करना या अमीर लड़के से शादी करना, ये कभी भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एक मेहनती लड़के से मैं शादी करूँ और इकलौते माँ बाप के लड़के से शादी करूँ, क्योंकि मुझे देवरानी जेठानी नहीं चाहिए। ये मेरी कुछ क्राइटेरिया थी। तो मुझे हमेशा एक मेहनती लड़का चाहिए था, इकलौता लड़का चाहिए था और मुझसे लंबा लड़का चाहिए था। ये मेरी क्राइटेरिया थी। गरीब होना, अमीर होना, ये किस्मत पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, शादी के बाद अपनी मेहनत से अमीर बन जाते हैं। कुछ इंसान होते हैं जो अमीर घराने के लड़के से शादी करते हैं और कुछ हादसे से वो गरीब बन जाते हैं। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं खुद अर्न करती हूँ। मैं 17 साल की उम्र से मैंने अर्न करना सीखा है, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो मैं सेल्फ डिपेंडेबल पर्सन हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं करता कि मेरा पति कितना कमाता है कितना नहीं कमाता। मेरे कमाई से मेरा घर चल सकता है, और मैं ना भी कमाऊँ तो मेरे हस्बैंड की कमाई से मेरा घर चल सकता है। तो इतनी कॉन्फिडेंस है। ये इतना बड़ा आंसर मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करता कि मैं गरीब लड़के से शादी करूँ कि अमीर लड़के से शादी करूँ। मैंने एक मेहनती लड़के से शादी की है, और मेरा जो ससुराल है ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। मैंने बहुत अमीर घराने के लड़के से शादी नहीं की। मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पर हमारा दाल चावल निकल जाता है, और हम लोग अपनी ज़िंदगी थोड़ी खुशहाल तरीके से बिता सकते हैं। बस इतना ही, मैं भी कमाती हूँ, मेरे ससुर जी भी कमाते हैं, मेरा हस्बैंड भी कमाता है, तो हम तीनों की कमाई से हमारी ज़िंदगी फ्लुएंट तरीके से चल रही है। बस इतना ही, किसी एक पे डिपेंड नहीं है। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, बट सच बताऊँ बिजली चली गई थी तो मैं वह वीडियो वापस से मैंने शूट कर रही हूँ।
तो ये वीडियो भी मैं स्टॉप कर रही हूँ अभी भी, फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगी कमेंट सेक्शन वीडियो, जिसमें मैं आगे बहुत सारे कमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे डिस्कस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी जानना है मुझसे तो कोई भी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। थैंक यू, बाय।